नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं रेशमी विद्यांत आपको सांबर मसाला बनाना सिखाऊंगी। इस मसाले को आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो सांबर मसाले का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मसाला बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सांबर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले धनिया 1/4 कप लें, राई 1/4 टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, काली मिर्च के दाने 1/4 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, उड़द दाल 2 टीस्पून, चना दाल 2 टीस्पून, सूखा कड़ी पत्ता 1/2 टीस्पून, सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ 1/4 कप, खड़ा लाल मिर्च 4 बड़े साइज के, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और हींग स्वाद अनुसार। अब सबसे पहले कढ़ाई में नमक और हींग को छोड़कर एक एक करके धनिया डालें, जीरा डालें, चना दाल को डालें, उड़द दाल को डालें, मेथी दाना डालें, काली मिर्च के दाने डालें, सूखा लाल मिर्च डालें, कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें, राई के दाने डालें, कड़ी पत्ता डालें और हल्दी पाउडर डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम में लगातार तब तक चलाते रहें और भूनते रहें जब तक कि खुशबू ना आने लगे। आप देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं, राई और जीरा चटकने लगा है और मसालों से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सारे खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मिक्सी में मसालों को डालें। अब इसमें नमक और हींग को भी डाल दें। ढक्कन को बंद करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पीस लें। खड़े मसाले बिल्कुल से पीस चुके हैं मिक्सी में। तो फ्रेंड्स, है ना सांबर मसाले को बनाने का प्रोसेस क्विक एंड ईजी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।